all to welcome our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Talat, Pasha, our Vice Chancellor of the University of Veterinary Animal Sciences and Law. He's here. A big round of applause for us. And we also have Razaf Hussain Sahib, Dr. Masood Bani Sahib, and Dr. Atar Sahib. So, we are just making a bit change in a plan because Mr. Sahib has to go. So, as I discussed in the agenda today, this week is also a celebration to recognize the effort of someone. इसको मैं उर्दू में बोलना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में अगर ट्रांसलेट करूँगा तो शायद मैं अपने जज्बात उसको पहुँचा ना सकूँ। आपको मालूम है कि उस्ताद की अहमियत से किसी को मिलता नहीं। आज हम जो कुछ भी हैं हम अपने साथियों की वजह से या अपनी यूनिवर्सिटीज की वजह से या अपने स्कूल कॉलेजेस की वजह से आज इस रूम में जितने लोग भी बैठे हैं आई एम श्योर वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे और इस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे कि हमारी कामयाबी में हमारे टीचर्स का कितना बड़ा रोल है। आप तमाम लोगों को मालूम है कि हम तमाम प्रोफेशनल्स डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं और उसी सेगमेंट के अंदर न्यूट्रिशन का एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम काम करते हैं वो हमारी इंडस्ट्री का 70% टर्म्स ऑफ कॉस्ट है जो कि हम उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूट्रिशन जो पाकिस्तान के अंदर खाओ पोल्ट्री हो खाओ डेयरी हो खाओ एक्वा के अंदर भी वो काम कर रहे हैं दे आर डूइंग गुड जॉब। माय कॉलेजेस फ्रेंड्स इफ यू कांट अंडरस्टैंड सम ऑफ द वर्ड बट दिस इज आई वांट टू कम इन द लोकल नेटिव लैंग्वेज। सो उसके अंदर आप जैसे तमाम दोस्तों को मालूम है जो कि न्यूट्रिशन से जिनका ताल्लुक है और जो गाय वगैरह लोगों से मिलते रहते हैं कि न्यूट्रिशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक एसोसिएशन है जो कि साल से डिफरेंट काम करती आ रही है जिसके अंदर अवेयरनेस का काम रिसर्च का काम ऑपरेशंस का काम लोगों को सिखाने का काम जारी है। ठीक है इन तमाम चीज़ों के पीछे जब जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी उनका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बड़े क्लियर थे कि हम अपने मुल्क को कैसे सर्व कर सकते हैं हम अपने नेशन को कैसे सर्व कर सकते हैं। तो जब उस एसोसिएशन को आज सालों साल हो गए हैं उसी चीज़ को हमने ये सोचा क्यों ना उस एसोसिएशन के अंदर हम एक ऐसी रिवायत डालें एक ऐसी नई आदत डालें कि हम हर साल अपने प्रोफेशनल्स को ट्रिब्यूट दें उनको रिकग्नाइज करें उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें ताकि हर आने वाला नया बच्चा कम्पीट करे कि मैं उससे बेहतर हूँ। कॉम्पिटिशन विद इन द कॉम्पिटिशन ऑलवेज इज अ पॉजिटिव। ठीक है सो कीपिंग दैट इन व्यू आज हम एक नई रिवायत रखने जा रहे हैं और एक उस बंदे को इसकी रिकग्निशन या उसको अवॉर्ड करने जा रहे हैं ये चीज़ जो पिछले चार दहाइयों से अपनी तदरीस से अपनी तालीम से अपने नॉलेज से अपने अखलाक से अपनी दोस्ती से अपने एज उस्ताद होने के नाते हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीद कर हम जितने लोग भी इस रूम में बैठे हैं मेरा ख्याल है जब मैं वो नाम लूँगा तो हम सारे अपनी चेयर से खड़े होकर उनको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज देंगे। तो इस मेडल ऑफ एक्सीलेंस के जो हकदार हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर तलत पाशा साहब हैं। Big round of applause for Dr.